नमस्कार, मैं निकिता विजयवर्गीय आज आप सबके सामने लाइव अपने विचार प्रस्तुत करना। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग टाइम निकाल कर मुझे सुनने के लिए यहाँ पर हैं मेरे साथ लाइव। तो मैं उससे पहले एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए, आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं? तो मैं अपना परिचय देती हूँ। ठीक है, मेरा नाम निकिता विजय है एंड मैं टोंक की ही रहने वाली हूँ। छोटी सी कली एक सामान्य परिवार में खिली, इकलौती वो जिसके भाई हैं दो, भागती दौड़ती संग भाइयों के ही, खेलती संग उनके ही, जाने लगी स्कूल भाइयों के संग, लिए रहती दिल में एक उमंग, है वो लाडली अपने पापा की, इकलौती बेटी जो है वो परिवार की। तो पता चल गया होगा आपको मेरे बारे में, मेरे बैकग्राउंड के बारे में। तो लिखना एक मेरा बहुत सालों से मेरा लिखना एक शौक, जिम्मेदारी सारी मुझे देते हैं, इतना भरोसा वो मुझ पे करते हैं, डांट लेंगे भले ही कभी, पर नाराज कभी ना मुझसे रह पाते हैं। होना भरी उनका हिम्मत है मेरी, उनके ही नाम से पहचान है मेरी। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, कभी ना पढ़ना सिखाया उन्होंने। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अपने पापा के सपोर्ट से बोल रही हूँ, तो उस पर एक लाइन लिखी है, लिखती रहती हूँ मैं अपने शौक से घटनाओं से रिलेटेड। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है लड़की। इस कविता के बारे में थोड़ा बता दूँ कि इस कविता में मैंने पुराने ज़माने की स्थिति को लेके, आज की स्थिति को लेके, गर्ल्स की हर स्थिति को लेके इस कविता को लिखा है। वरदान होती है वो कुछ घरों में, तो कहीं उसे श्राप माना जाता है। लाडली होती है वो कुछ घरों में, तो कहीं उसे धुतकारा जाता है। कहते हैं लक्ष्मी कुछ लोग उसे घर की, तो कहीं उसे लक्ष्मी माना जाता है। ये पहले के ज़माने की बात है कि पहले के ज़माने में यही होता था, गर्ल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी। रीति चली आई है ऐसी सालों से, ऐसी लड़की चले अपनी माँ दादी। वक्त था ऐसा एक, बात पहले के ज़माने की है सुनिएगा, वक्त था ऐसा एक जब बचपन में ही ब्याह दी जाती थी, लड़कियां बंद कर दिए जाते थे उनके लिए मायके के दरवाजे और खिड़कियां। आई होप आप लोग मेरी लाइन से सहमत होंगे। तो थोड़ा बदलाव तो आज भी आया है, तो नहीं है परिस्थिति ऐसी आज, यूं तो नहीं है परिस्थिति ऐसी आज, बहुत लोग थी जूझती कुछ ना किसी से कहती, घुटती जूझती कुछ ना किसी से कहती, भावनाएं आती। आज की स्थिति गर्ल्स की देखते हैं, नहीं है आज लड़कों से पीछे लड़कियां, हर क्षेत्र में हर कदम पर आगे है लड़कियां, भी परिवारों में आस पड़ोस मानता गलत अगर लड़की की तस्वीर भी छपती अखबारों में। लड़का नहीं समान लड़की के गुणों में, जिससे आत्मसम्मान भी वो स्वयं का। आज की गर्ल्स की बात करते हैं, सुख में ना हो भले किसी के साथी वो, दुख में हर पल परिवार का साथ निभा रही है वो, किसी पर नहीं निर्भर होंगी अब वो, स्वयं कर पाएंगी अपनी रक्षा वो, नहीं कम किसी से वो, ना झुकेंगे किसी के आगे वो, अपने ही सम्मान के लिए जिससे लड़ रही है लड़कियां,
उसी समाज, राज्य और देश का गौरव बढ़ा रही है लड़कियाँ। तो इस कविता को सुनकर आप लोग समझ गए होंगे कि गर्ल्स की कंडीशन पहले के ज़माने से किस तरह परिवर्तित हुई है और क्या घटनाएं गर्ल्स की लाइफ में हो रही हैं। तो एक छोटा सा कोट, एक छोटा सा कोट शायद आप सबकी लाइफ से रिलेटेड हो सकता है और आज तो आज के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये कि दिल के दरवाजे पर दस्तक तो हज़ारों लोग देते हैं, दिल के दरवाजे पर दस्तक तो हज़ारों लोग देते हैं मगर ठहरते वही हैं जो झुक कर अंदर आते हैं। अब ये लेकिन अब हम बात करते हैं आज के दुनिया में सबसे अहम जो बात है, इंसानियत। इंसानियत के बारे में हम बात करेंगे। और तो जैसा इंसानियत बहुत कम आज नज़र आती है, ऐसा नहीं है कि इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बट बहुत कम लोगों में हम लोग देखते हैं। कुछ में हाँ अच्छे पक्ष होते हैं, कुछ में इंसानियत के अच्छे बुरे दोनों पक्ष होते हैं। तो इसको लेके मैंने एक दिन विचार करते हुए ये कंटेंट लिखा, उसका शीर्षक आप लोग सुनिएगा आगे। धन की दुहाई देने वालों को, धन की दुहाई देने वालों को धन के नाम पर लड़ते भी देखा, अमीर के बच्चों को पिज्ज़ा पास्ता खाते देखा तो गरीब के बच्चों को भोजन के एक निवाले के लिए भी तरसते देखा। खुद को जानवर प्रेमी कहने वालों को, खुद को जानवर प्रेमी कहने वालों को जानवरों की हत्या करते भी देखा, बड़े दिल वालों को, बड़े दिल वालों को रोड पे मरते इंसान को नज़रअंदाज करते भी देखा, स्त्री को देवी मानकर पूजने वाले, स्त्री को देवी मानकर पूजने वालों को लड़ते वक्त माँ बहन की गालियाँ देते भी देखा। सबसे इम्पोर्टेंट लाइन इस कंटेंट की, सबसे लास्ट लाइन सुनिए, रहा खुद पर दूसरों को मंजिल तक पहुँचा देती हूँ। आगे जो मेरा कंटेंट है, जैसे मैंने बताया कि गर्ल्स की लाइफ से रिलेटेड सबसे मेरा इस आगे का जो कंटेंट है उसके थ्रू मैं एक संदेश देना चाहती हूँ। मेरा कंटेंट सुन के आप लोग समझ जाएंगे कि मैं क्या संदेश देना चाहती हूँ। ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो लोग बोलते हैं गर्ल्स कमज़ोर होती है, सेंसिटिव होती है, ज़्यादा दर्द तकलीफ सहन नहीं कर सकती है, उनसे इतनी सी बात कहना चाहती हूँ कि जो दर्द तकलीफ गर्ल्स बर्दाश्त कर लेती हैं वो शायद आप लोग महसूस भी नहीं कर सकते हो। एक एग्जांपल लेती हूँ, पीरियड मेरी लाइन से आप लोग समझ जाएंगे, सुनिएगा। बिना किसी चोट के इतना खून वो बहाती है, बिना किसी चोट के इतना खून वो बहाती है पर तकलीफ अपनी किसी से नहीं कह पाती है, इतना दर्द वो बेवजह से जाती है, इतना दर्द वो बेवजह से जाती है पर दर्द अपना किसी से जता नहीं पाती है। हफ्ते भर चैन की नींद भी नहीं सोती है, हफ्ते भर चैन की नींद भी नहीं सोती है पर परेशानी अपनी किसी से कह नहीं पाती है। बाहर घूमना उसका निषेध हो जाता है, मंदिर जाना भी उसका रोक दिया जाता है। कैसे समझे मर्द, कैसे समझे मर्द स्त्री के इस दर्द को, कैसे समझे मर्द स्त्री के इस दर्द को, पीरियड्स जो नहीं आते हैं मर्द को, समझते हैं इस तकलीफ को जो एक गंदगी। अब उन लोगों के लिए संदेश है जो मैं देना चाहती हूँ, समझ जाएंगे। समझते हैं जो इस तकलीफ को एक गंदगी, उनसे इतना ही कहना है मेरा, उनसे इतना ही कहना है मेरा, अरे इसी का तो परिणाम है तुम लोगों की ज़िंदगी। तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, और मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि गर्ल्स कमज़ोर। मेरे कंटेंट का थीम है द लॉस्ट टाइम गुजरावा वक्त। इस कंटेंट, ये जो कंटेंट है ये मेरे लिए एक चैलेंज था ऑनलाइन, और इसको मैंने विन भी किया, फर्स्ट पोजीशन इसमें मैंने ली। तो इस कंटेंट में मैंने बीते वक्त की घटनाएँ और आज की घटनाएँ दोनों को कंपेयर करके मैंने लिखा है, तो सुनिएगा। वक्त था वो एक जब लोग दूर देश में रहकर भी रखते थे एक दूसरे की खबर, पर अब आया ऐसा वक्त है कि लोग इतनी टेक्निक के बाद भी रहते हैं जैसे एक दूसरे से बेखबर है। रखी
वो वक्त और था जब रखी जाती थी लड़कियां घर की चार दीवारी में ही, पर आज नजर आती है लड़कियां देश की पहरेदारी में। कहा जाता था घर संभाल सकती है लड़कियां, पर देखो आज देश भी चला रही है वही लड़कियां। रिश्तों की बात करते हैं, निभाए तो पहले जाते थे रिश्ते दिलों से, आज तो हाल भी नाम के लिए पूछ लिया जाता है बस दूर मिलों से। पहले महान मिसालें दी जाती है लैला मजनू के प्यार की, पर आज तो कस्में भी झूठी खाई जाती है अपने यार की। कोरोना आने के बाद क्या इफेक्ट हुआ सुनिएगा। कुछ यूं रुख बदला कोरोना ने जिंदगी का, अस्त व्यस्त हो गया हाल पूरे देश का। गलियां सूनी पड़ी है भीड़ भरे शहरों की, बस गाड़ियां ही नजर आती है देश के रखवालों की। मैं पर्सनली मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, बट उन अंकल की कंडीशन देख के मैंने ये कंटेंट लिखाता हूँ। मतलब उनके इतने 5 या 6 उनके बच्चे, उनके होते हुए उन्हें रहने के लिए घर खाना उनको एक टाइम मिलता है, खाने के लिए तरसते हैं, तो उनकी कंडीशन देखते हुए मैंने ये कंटेंट लिखा था। मतलब बच्चे कैसे, बच्चों को माँ बाप अपना सहारा बनने के लिए इतना बड़ा करते हैं और वही बच्चे फिर उन्हें भटकने के लिए छोड़ देते हैं, तो उनकी कंडीशन देखते हुए मैंने ये लिखा था। इसका शीर्षक है दर बदर भटकते हैं। सुनिएगा। जिन्होंने तुम्हें अपना सहारा बनने के लायक बनाया, तुम उन्हें वे सहारा कैसे छोड़ सकते हो। तो सब अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करें, जब उन्हें तुम्हारी जरूरत हो तो उन्हें अकेला नहीं छोड़े, उन्हें बेसहारा नहीं छोड़े। तो सबके बारे में बात की, पर जिनकी वजह से पढ़ना लिखना सीखा, बोलना सीखा, उनके बारे में भी बात। एक छोटा सा कोट लिखा है मैंने मेरे टीचर्स, सुनिएगा। ना पसंद जब किताबों को, तब किताबों का महत्व उन्होंने ही बताया, और लड़ते थे जब क्लास में, तब मित्रता का पाठ भी उन्होंने ही पढ़ाया। तो ये बात भी मेरे सभी टीचर्स की। एक कोट अपने टीम को लेके मैंने लिखा है, पर ये डेडिकेट होता मेरे पेरेंट्स को, और आज तो ये बहुत ज़्यादा सही बैठता है कि आज पेरेंट्स डे भी है। वाई पेरेंट्स डे 26 जुलाई 2020। तो ये डेडिकेट है। ना ही कमी है किस्से कहानियों की, बस यूं ही लिखते रहती हूँ दास्तां अपनी ज़िंदगी की। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज पेरेंट्स डे भी है, और स्पेशली कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ज़िंदगी में, और शायद वो माँ बाप से ही ऐसे रिश्ते होते हैं जो ज़िंदगी में कभी हमसे दूर नहीं होते, ये रिश्ते कभी नहीं टूटते। इसको फील करते हुए मैंने एक कंटेंट लिखा, एक कुछ लाइंस लिखी है जिसका शीर्षक है अटूट रिश्ते। तो सुनिएगा, ये सभी पेरेंट्स को डेडिकेट है, सभी पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहती हूँ मैं। सुनिएगा। जन्म दिया माँ ने, पाल पोस कर बड़ा किया पापा ने, जिन्होंने दी हर खुशी, इन्होंने ही की हर जिद पूरी। रोते हैं तो माँ सीने से लगा लेती है, टूटने लगे उम्मीद तो पापा सर पे हाथ रख देते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जो एक मुस्कुराहट के लिए झुक जाते हैं, बच्चों संग बच्चे बन जाते हैं। दर्द अपना कभी ना दिखाते, बस हमें मुस्कुराहट ही सिखाते। कांप जाती है रूह जिनको खोने के नाम भर से, यही होते हैं बस दुनिया में, जिनसे अटूट रिश्ते। सबकी बात है तो मेरे दोस्तों की भी बात होनी चाहिए। ऑब्वियसली दोस्ती सबसे प्यारा रिश्ता, सुकून का रिश्ता जो होता है, तो उस पर मैंने 2 लाइन्स लिखी हैं। सुनिएगा।
मुरझाए हुए चेहरे पर भी फूल खिल जाते हैं, मुरझाए चेहरे पर भी फूल खिल जाते हैं जब बिछड़े हुए दोस्त मिल जाते हैं। एग्री होंगे सभी, सब अपने फ्रेंड से मिलके खुश हो ही जाते हैं। अब सबकी बात की है तो मेरी बात भी कर लें। वैसे कहते हैं ना, गुरूर नहीं करना चाहिए किसी को खुद पे, पर खुद की बातें कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें प्राउड फील होता है, खुद पे गर्व महसूस होता है। तो मैं अपनी कुछ बातें कुछ लाइंस के जरिए बताना चाहूँगी। होता है खुद पे जब कहते हैं भाई तू है हमारी लाडली बाई, तब गर्व होता है खुद पर। नहीं है मेरी अपनी अभी तक कोई पहचान, पर जब पापा कहते हैं मुझे अपना मान, तब गर्व होता है खुद पर। एक छोटी सी रचना, जैसे मैं लाइफ से रिलेटेड मैं सबसे ज़्यादा लिखती हूँ, तो उसको लेके मैंने लिखा है। गर्ल्स की लाइफ का जो सबसे अहम मुद्दा है पीरियड्स, उस पर मैंने एक और कविता लिखी, एक कंटेंट रेडी किया था, तो सुनिएगा। हमेशा खिलता सा चेहरा उसका आज फिर मुरझाया है। लगता है उसका टाइम आया है। उछलती रहे भैया। तो गर्ल्स की लाइफ से रिलेटेड जो मैं लिखती हूँ, तो एक वास्तविक कहानी है। ये मेरी कहानी नहीं है, पर इसका शीर्षक है कहानी एक लड़की की। इसमें जितना कुछ मैंने गर्ल्स के साथ देखा है उससे रिलेटेड मैंने इसमें मेंशन किए सारी चीज़ें। देखिएगा, अपनी ख्वाहिशें भूल जाती है वो, सब बंदिशें मान लेती है वो। चलती तुम्हारे हिसाब से वो, सपने भी अपने त्याग देती वो। पर बात उसे ये चुभती है, जब तू लड़की है ऐसा नहीं करते कहकर वो चुप करा दी जाती है। मोस्टली गर्ल्स की ये कहानी होती है, आगे सुनिएगा। कुछ ना करे फिर भी सुनना उसी को पड़े, तब बात उसे ये चुभती है कि किसी जब किसी काम के लिए मना करने पर, लड़की है आगे जाकर सब करना ही पड़ेगा कहकर ऐसी सलाह दी जाती है। पूछती है वो बस ये सवाल, क्या नहीं है एक बवाल। बनकर साथी सबकी खड़ी रहती है साथ हर कदम पर। फिर क्यों ये लड़की होने का ज्ञान थोपा जाता है उस पर। रखते हो कभी उसे सर चढ़ाकर कहते हो है तू हमारे लिए बेटे के बराबर। फिर क्यों ये बात आती है, लड़की है ऐसे मत कर की मोहर लगाई जाती है। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए। तारीफ के लिए शुक्रिया रामेश्वर चौधरी, बहुत बढ़िया। थैंक यू देखा जैन गुरु, थैंक यू। मेरे साथ इतने लोगों को बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने कीमती समय में से वक्त निकाल कर जो मुझे सुन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे भाई बहन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, तारीफ हो रही है ज़्यादा। Thank you so much.